मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमठ जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जन, आज मां नर्मदा की पावन धरती जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस उच्च न्यायालय का भवन 134 वर्ष पुराना है। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की संख्या में लगातार वृद्धि तथा इस न्यायालय को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के लिए नायान स्टेट ऑफ द आर्ट भवन समय की मांग है। मुझे बताया गया है कि नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम्स, मीटिंग हॉल्स, साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, बार रूम्स, डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था ना केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिला का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले सप्ताह ही संसद में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य के सदनों में 33% सीटें आरक्षण करने का अधिनियम पारित हुआ है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के ये पहल अत्यंत क्रांतिकारी होगी। मुझे बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के में करीब 9% और उच्च न्यायालय में लगभग 14% महिला न्यायाधीश है। न्यायपालिका भी समाज का ही एक हिस्सा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ भी महिलाओं की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि महिलाओं में न्याय करने का नैसर्गिक भाव होता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती है। न्याय देने की प्रक्रिया किसी एक गणितीय सूत्र पर आधारित नहीं है। न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी अपेक्षा होता है। इस प्रक्रिया में भावनाएं, परिस्थितियां और संवेदनशीलता जैसे अन्य आयाम भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए न्याय व्यवस्था में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी न्यायपालिका के भी हित में होगी। न्यायपालिका द्वारा स्वयं में सुधार का दृष्टिकोण जब सामने आता है तब जबलपुर का नाम स्वतः ही स्मरण होता है। जैसा कि न्यायपालिका से जुड़ी लोग जानते हैं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के पक्ष में दिया गया निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1976 में ओवररूल किया गया था। अतः 42 साल के बाद वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बदला। मौलिक अधिकारों के पक्ष में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तत्कालीन निर्णय के मूलभूत सिद्धांतों की ही उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः स्थापना की गई है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जबलपुर का नाम न्याय प्रणाली की प्रगतिशील यात्रा
न्यायपालिका से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का आम जनता को सरल सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए। आज न्यायपालिका के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित मामले अंडर ट्रायल कैदियों की भारी संख्या अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट जैसी चुनौतियां भी है। एक अनुमान के अनुसार देश भर की निचली अदालतों में करीब 4.5 करोड़ केसेस लंबित है, जिनमें से कई बार तो 20 से 30 साल तक लंबित है। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला अदालत में दशकों से लंबित केसेस के निपटारा के लिए 25 डेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसलिए आपको इसके अंतर्गत जिला न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायालय में 25 सबसे पुराना मामले को नियमित आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक 97,000 केसेस की उससे अधिक मामला निपटारा किया गया। मुझे इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश न्यायपालिका से जुड़े सभी व्यक्तियों की सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे इस प्रक्रिया को और भी आगे जारी रखें। अदालतों में लंबित केसेस की अधिकता के कारण विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या जेलों में रहने की मजबूरी है। मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि ऐसे विचाराधीन कैदी जो छोटे मोटे अपराध के लिए जेलों में बंद है, उनके बारे में न्यायपालिका सरकार और पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए और कई समाधान की रास्ता निकालना चाहिए। ये पंच परमेश्वर का देश है, जो माननीय मुख्यमंत्री भी कहे। यहाँ न्याय की परिकल्पना ग्रामीण व्यवस्था से ही शुरू में थी। मेरा मानना है कि विवादों के वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। इससे एक और तो विवादों का समाधान सस्ता और सुलभ होगा, दूसरी और न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा। हाल ही में मैंने मेडिएशन एक्ट 2023 को अनुमति प्रदान की। ये अधिनियम निकट भविष्य में ही प्रभावी हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस अधिनियम के प्रावधान का उपयोग करने से मेडिएशन को व्यापक तथा संस्थागत स्वीकृति मिलेगी तथा लिटिगेशन का बोझ कम होगा। देवियों और स्वजनों, न्याय देने की प्रक्रिया को सरल सुगम और त्वरित बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। ये प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकारें अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही हैं। आज का शिलान्यास भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार और राज्य के उच्च न्याय टेक्नोलॉजी आज प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न्याय व्यवस्था में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई प्रोसीडिंग और ई फाइलिंग की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वही कागज को प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ई कोर्ट परियोजना के तीसरी चरण को मंजूरी दी है। मुझे विश्वास है कि इस चरण के सफल कार्यान्वयन से न्याय प्रणाली सभी स्टेक होल्डर्स के लिए और अधिक सुलभ, कैफियत, विश्वसनीय और पारदर्शी बन जाएगी। अदालतों के निर्णयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना न्याय प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रही है। इस प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देवियों और स्वजनों, हम सब लोगों पर समाज का ऋण है।
हम इस ऋण को विकास यात्रा में पीछे रह गए लोगों की मदद करके उतर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सराहनीय पहल की है, जिसके अंतर्गत इस हाईकोर्ट के सभी जज प्रतिमाह एक निश्चित राशि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए देंगे। इस पहल के साथ साथ मेरी अपेक्षा होगी कि वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में निःशुल्क सहायता करने के लिए संस्थाएं और अधिवक्ताओं के समूह आगे आए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायपालिका का न्याय इतना महंगा ना हो जाए कि ये आम आदमी के से दूर हो जाए। इसके लिए संस्थागत प्रयासों को मजबूती देने की जरूरत है। इस विश्वास के साथ जब न्याय भवन पर बनकर तैयार हो जाए तो न्यायाधीश वकीलों और प्रशासनिक कर्मचारियों को और अधिक समर्पण प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए नई ऊर्जा देगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।